नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। एक तरफ कोरोना वायरस महामारी तो दूसरी तरफ लगातार हुई बारिश से आए बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दर्जनों गांवों का सड़क टूट जाने से संपर्क प्रखंड मुख्यालय से छूट गया है। इस आपदा की घड़ी में हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड के निर्देशक सम्माननीय राजा विवेक लाल पित्ती जी के तत्वाधान में मुख्य महाप्रबंधक SL बहती के देखरेख में क्षेत्र के जोगिया, शेरवा, बहुअरी, भैरवगंज, कृष्ण आश्रम, उत्तरांचल दौन सहित दर्जनों गांवों में सैकड़ों कटाव पीड़ित परिवारों के बीच सूखा राशन का पैकेट वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम में एक तरफ विनय मिश्रा की टीम तो दूसरी तरफ कप्तान इंद्रजीत सिंह की टीम युद्ध स्तर पर वितरण कार्य जारी है। ज्ञात हो कि हर आपदा की घड़ी में बिहार की शान चंपारण का गौरव हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड अपने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहता है। बिहार पश्चिम चंपारण से ब्यूरो जय सिन्हा की रिपोर्ट। सर आपका परिचय? मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है, मैं हरिनगर चीनी मिल में सहायक इंक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आज आपके द्वारा मसान कटाव पीड़ितों के बीच ये राशन वितरण का जो कार्यक्रम हो रहा है, किसके उद्देश्य से हो रहा है? हाँ, ये हरिनगर चीनी मिल के जो मालिक हैं हमारे राजा साहब की तरफ से कोरोना काल से लेकर अभी तक जो बाढ़ आया है, हमारे कृषक बंधु के साथ साथ छोटे गरीब मजदूर वर्ग के जिन किसान भाइयों का जमीन कट के बह गया, साथ ही साथ उनके फसल नुकसान हो गई, ये लगातार एक डेढ़ महीने से ये कार्यक्रम उन लोगों के बीच में ये राहत सामग्री, सूखा राहत सामग्री उनके बीच में वितरित किया जा रहा है। इसमें उनको 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो अरहर का दाल, 2.5 किलो आलू और साथ ही साथ तेल और नमक का दिया जा रहा है, जिससे हम बहुत कुछ उनके दुखों को तो हर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी चीनी मिल के तरफ से उनको राहत पहुंचाने का कार्यक्रम हरिनगर चीनी मिल के द्वारा लगातार किया जा रहा है।